नमस्कार मित्रों, आज की कैबिनेट में 6 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें से कुछ बिंदुओं के बारे में मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा और कुछ बिंदुओं के बारे में मेरे सहयोगी श्रीमान सिद्धार्थ नाथ सिंह जी आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। जो पहला मद है, जनपद गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान के निर्माण कार्य से संबंधित योजना प्रस्ताव के संबंध में है। इसमें प्राणी उद्यानों की स्थापना का उद्देश्य वन्य जीवों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाना है। उत्तर प्रदेश में 2 प्राणी उद्यान क्रमशः लखनऊ एवं कानपुर में स्थापित हैं। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर की स्थापना 2008-09 में प्रस्तावित की गई थी। उक्त निर्माणाधीन प्राणी उद्यान लगभग 121.34 एकड़ क्षेत्रफल में प्रस्तावित है। एकड़ क्षेत्रफल में प्रस्तावित है और इसमें जो अलग अलग जो काम होने हैं उसके लिए जो अनुमोदित जो लागत है वो 181.82 करोड़ है। इसमें वृक्षारोपण भी है, एलईडी स्क्रीन भी है, प्रशासनिक भवन भी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम भी है, ये तमाम चीजें इसमें है, 3D थिएटर भी है, ये सारी फैसिलिटीज इसमें रहेंगी। अगला जो मद है, प्रदेश के अंदर 2019-20 में कराए जा रहे समस्त वृक्षारोपण हेतु निःशुल्क पौध उपलब्ध कराना। जैसा कि सब जानते हैं कि एक बहुत बड़े अभियान की तरह तहत हम लोग पूरे प्रदेश भर में वृक्षारोपण के अभियान हमारे यहाँ शुरू हुए हैं। उसी क्रम में आने वाले समय में भारतीय वन सर्वेक्षण वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.18% क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षावरण से आच्छादित है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून की 2017 की जो रिपोर्ट के अनुसार 2015 के सापेक्ष राज्य के वृक्षावरण तथा वनावरण में समेकित रूप से 676 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। इसमें बड़ी बात यह है कि वर्ष 2019-20 में प्रदेश में 22 करोड़ पौधों का रोपण किया जाना है और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत को मूल इकाई मानते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु सामुदायिक भवन, नहर, रोड, स्कूल, ग्राउंड्स और काश्तकार की जो निजी भूमि है वृक्षारोपण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए रखा गया है। एक वृक्ष अभिभावक, ऐसा करके इसका टाइटल है, एक वृक्ष अभिभावक ग्राम प्रधान के अतिरिक्त मनोनीत किया जाएगा।
इसका मेन मोटिव है कि हम आने वाले समय में अपनी जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उस पर एक बेहतर पर्यावरण, एक एटमॉस्फेयर दे पाए, उसी के लिए इसको जन आंदोलन के रूप में सरकार ने बनाने का एक संकल्प लिया है। इस वृद्धि से जन सामान्य को होने वाले पर्यावरणीय लाभों के अतिरिक्त किसानों की आय में तथा प्रदेश की हरितमा में वृद्धि होगी। तीसरा जो एक मद है, अभी माननीय राज्यपाल जी के यहाँ जाना प्रस्तावित है, जो आगामी जो हमारा विधानसभा सेशन है 28 फरवरी 19 को दोनों सदनों का सत्रावसन कर दिया गया था और उसकी एक नियमावली होती है, उसी के तहत 28 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र बुलाए जाने का प्रस्ताव है। 28 फरवरी को सत्रावसन हुआ था, 18 जुलाई 2019 को बुलाया जाना प्रस्तावित है। अगले मदों के बारे में श्रीमान सिद्धार्थ नाथ सिंह जी आपसे जानकारी साझा करें। ये जो चौथा बिंदु है वो गोरखपुर में महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय का है। इसके अंदर जो महाविद्यालय में कार्य होने हैं उसके अंदर भवन है, हॉस्टल है, ऑडिटोरियम है, मल्टीपर्पस हॉल है, इन सब का कार्य करते समय जो रीएस्टिमेट जो आया है उस पे ये 30.34 करोड़ लगेगा, उसके अनुमोदन के लिए आया था तो उसको अनुमोदित किया गया है इन कार्यों के साथ 30.34। पहले ये पुरानी स्कीम है, ये 10.78 करोड़ से शुरू हुई थी, मगर अब उसके अंदर नई नई चीजें करी जा रही हैं, और भी चीजें लाए हैं तो उसको रीवर्क करते हुए यहां तक कि अब एस्टिमेट आया है। जो पांचवा जो बिंदु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एक अम्ब्रेला एक्ट बनाया जा रहा है। ये अम्ब्रेला एक्ट इसके लिए बनाया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 27 निजी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, 27 और ये 27 जो चल रहे हैं सब अलग अलग एक्ट के माध्यम से इन लोगों का सैंक्शंस किया जाता रहा है और अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि एक समानता लेकर आए, जिस समानता के कारण जो गुणवत्ता का विषय है, जो सत्र चलने हैं, अध्यापकों का है, ये सब चीजें और अनेक और चीजें जो एक साथ लेकर एक कंट्रोलिंग बॉडी की तरह ला सकते हैं या उसके ऊपर मॉनिटरिंग हो सकती है। राज्य सरकार को इसकी बड़ी इनमें दिक्कतें भी आती रही हैं और फीस स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब जो है यूजीसी के गाइडलाइंस हैं उनको लागू करवाना, अनेक प्रकार की चीजें इसमें आती हैं। तो उसको लेते हुए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में भी चलती हैं उनको भी यहां पर लाने का प्रयास किया गया है। तो इसलिए ये उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं विनियम हेतु प्रस्तावित उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश 2019 को आज कैबिनेट में लेकर आए हैं और इसका जो लक्ष्य है वो आप लोगों को बता दिया, अम्ब्रेला एक्ट बताने का। इसके अंदर अनेक प्रावधान है जो कि डिटेल्स हैं काफी, जो अलग से प्रेस नोट में देंगे कि 30-35 आएंगे आपके पास है। फीस का भी इसमें आएगा, फीस का जो रेगुलेटरी हर जैसे एमसीआई मेडिकल की है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो हमेशा निर्धारित करती है एक फीस स्ट्रक्चर, तो वही इस पे लागू होगी। तो वो अलग अलग जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके आधार पे होएगा। इसके अंदर कोई यूनिवर्सिटी लगा के चला जाता है और उसमें बच्चों का एडमिशन होता है
तो इसलिए एक एंडाउमेंट फंड भी रखा गया है 5 करोड़ का, मगर वो कभी कभी हो सकता है कि उससे पूरा ना पड़े, क्योंकि बच्चों की डिग्री पूरी करवानी है तो एक सैलरी स्ट्रक्चर है वहाँ पे, अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चलता है, तो उसके लिए एक एंडाउमेंट फंड रखा जा रहा है। मगर उसके बावजूद भी ये एक्ट इनेबल करेगा कि राज्य सरकार उसकी जो प्रॉपर्टी है या एसेट्स है उसको राज्य सरकार के अधीन कर दिया जाएगा, और उसको उसके आधार पर जो बच्चों की डिग्री पूरी करनी है उस पर जो खर्चा आएगा वो पूरा करवाएगा, तो राज्य सरकार उसको फिर मैनेज करेगी, ये भी इसके अंदर रखा गया है। अभी तक जितनी प्राइवेट आपने देखी होंगे ये यूनिवर्सिटीज, उसके अंदर जो अध्यापक का एक होता था वो आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी बहुत ज्यादा होता था, मगर इस दफे इस एक्ट के माध्यम से एक मिनिमम 75% अध्यापक जो होंगे वो परमानेंट होंगे, उनकी गुणवत्ता का भी एक ऑनलाइन एक प्रावधान होता है उसके तहत मॉनिटर होएगा। ये सब चीजें को देखते हुए और इसके एक लैंड एरिया जो कहीं यूनिवर्सिटी आपके शहर के अंदर आती है, अर्बन आती है, तो मिनिमम 20 एकर्स लैंड चाहिए उसके लिए, और जो आपकी ग्रामीण में आती है वो 50 एकड़ की इसके अंदर लैंड एरिया का इसकी आवश्यकता है। जो 27 जो चल रहे हैं, ये तो नए के लिए हो गया, जो 27 चल रहे हैं उनको एक साल के अंदर इन चीजों के अंदर उनको जो एक्ट के तहत तो उसको अपने अपने आप को उस यूनिवर्सिटी को उसके अंदर लागू करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं, डिटेल में और आप लोगों को मिल जाएगा तो उसमें आप देखेंगे। हाँ, अलग से हमारे बीच में हम लोग के ACS भी बैठे हुए हैं उच्च शिक्षा विभाग के, उनको भी कहीं आप लोगों के कोई प्रश्न बाद में है तो आप जरूर उसमें, एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूँ, एक ही बिंदु और रह गया तो आप फिर उसके बाद ले लीजिए, ठीक है ना। वो भी इन्हीं से रिलेटेड ही है आपका सब बिंदु। जो आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण का गठन किया जा रहा है, बेसिक इसके अंदर यह है कि हम लोग के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, जो आपके अशासकीय जो आपके प्राप्त जो होते हैं माध्यमिक शिक्षण संस्थान, साथ साथ जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक बेसिक विद्यालय होते हैं, इनके अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स आती रहती है और उसका निस्तारण ठीक से हो नहीं पाता, कोर्ट्स में केसेस चलते रहते हैं, तो इसलिए ये एक बॉडी बनाई जा रही है जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण, और ये विवादों का शीघ्र निस्तारण कर सके उस दिशा में ये निर्णय लिया गया है, और ये अध्यादेश के भी माध्यम से लेकर आ रहे हैं, और इसके अंदर प्रावधान होंगे कि अधिकरण के अंदर अध्यक्ष हैं एक उपाध्यक्ष जो नायिका से नायक होंगे, एक उपाध्यक्ष जो प्रशासनिक होंगे, उसके अंदर मिनिमम 3 अन्य नायक और प्रशासनिक सदस्य भी होंगे, नायक की होता 3-3 अलग अलग होंगे, तीन तीन अलग होंगे, और इसके अंदर जो लागत है वो 6.15 करोड़ की है जो आएगा। और इसके अंदर एक और प्रावधान है कि आपने इस अथॉरिटी के पास गए, अपलेट के पास गए, वहां पे आपको लगता है कि आपके साथ जो न्याय है वो पूरा नहीं हुआ है, तो 90 दिन के अंदर आप उच्च न्यायालय में भी अपनी अपील कर सकते हैं, तो विद इन 90 डेज जाना पड़ेगा, इसके अंदर ये भी रहेगा। तो ये आज 6 बिंदु थे और आपके बीच में रखा है, कोई अलग से कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछो। इस पे एजुकेशन वाले में तिवारी जी से कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा है, ये एक्ट है, एक्ट जो है वो अब जाएगा आपके असेंबली में,
और असेंबली पास कोई भी एक्ट लागू नहीं हो सकता जब तक कि संविधानिक पद्धति है वो आपका असेंबली से जब तक पास नहीं होता। मगर ये मसौदा तैयार किया गया है ऑर्डिनेंस इसलिए क्योंकि बहुत चीज़ें पेंडिंग चल रही हैं, उन लोगों को भी क्लियरेंस देना है, तो उसके आधार पर ये एक निर्णय लिया गया। ये तो सिलेक्शन का एक प्रोसेस होगा, न्यायिक तो उसी से आते हैं। जैसा नाम स्पष्ट है जुडिशियल का मतलब जुडिशियल साइड से होंगे जो जुडिशियल सेवा में डिस्ट्रिक्ट जज रहे हों या इक्विवेलेंट रहे हों, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होंगे वो आईएएस हो सकते हैं, पीसीएस हो सकते हैं, उसी क्वालिफिकेशंस। इसमें क्वालिफिकेशन जो लेट डाउन है वो दोनों तरह की क्वालिफिकेशन है। इसमें जो मेंबर होने के लिए है एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, उसमें आईएएस से या पीसीएस से जो एक पर्टिकुलर स्केल में रहे हैं उस स्केल के ऊपर, उस स्केल में उस स्केल से ऊपर रहे हैं वो मेंबर हो पाएंगे, और इसी तरह से जुडिशियल मेंबर के लिए जो जुडिशियरी साइड से आएंगे उनके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है। सेवानिवृत्त हो सकते हैं, उसके लिए एज बार है, केवल 62 ईयर्स के बाद है मेंबर उनके लिए, अध्यक्ष के लिए 65 ईयर्स का। नियामक आयोग ने नहीं किया, यूपीपीसीएल का प्रस्ताव नियामक आयोग में गया है, तो थोड़ा धैर्य रखिए, चर्चा होगी वहां, सुनवाई होगी उसके बाद। देखिए बहुत हम लोगों को उप मुख्यमंत्री जी को ये बड़ा दुखद समाचार कल मिला था, और तुरंत मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि वहाँ पर आज पार्थिव शरीर आने वाला है, और उम्मीद करते हैं वो 1:30 बजे तक ही आएगा, 1:30-2 बजे तक ही मेरठ पहुँच जाएगा, और वहाँ पर जिलाधिकारी से मैं स्वयं संपर्क में भी हूँ। तो आज सुरेश राणा जी को सरकार की तरफ से हमने वहाँ पर भेजा है, वो वहाँ पर रहेंगे सरकार की तरफ से, और जो भी परिवार के लिए जो जो एक धनराशि होती है और जो भी सहायता होती है परिवार में जो सदस्य होते हैं कहीं कि भाई बच्चे जो भी परिवार में तो नौकरियों का होता है वो सब चीज़ें करी जाएंगी, उसके लिए भी डीएम को कह दिया वो पूरा बना लेंगे। जब तक कि राणा जी पहुंचेंगे तो उनके परिवार से अलग से बैठ के बातचीत करी जाएगी, मगर ये एक दुखद समाचार है, और इतना ही कह सकते हैं कि अभी भी पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी घटनाएँ हैं वो चल रही हैं, और समय समय पर उस पर कड़ी कार्रवाई भी करी जा रही है और जवाब भी दिया गया है, और हम लोग सबको भरोसा है अपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि इसका भी जवाब पाकिस्तान को जरूर मिलेगा। और नड्डा जी को कल ही मुख्यमंत्री जी ने उनको बधाई दी है, साथ ही साथ हम में से कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स और अन्य जो पदाधिकारी हैं उन लोगों ने सबने अलग अलग बधाई भी दी है। ये एक अच्छा निर्णय है, उसका स्वागत करते हैं कि नड्डा जी कोई आज के नहीं बहुत पुराने अनुभवी हैं और संगठन के वो बहुत ही अनुभवी हैं, तो उससे हम सब लोगों को और पार्टी को पूरा लाभ मिलेगा, और अमित शाह जी के अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में और नड्डा जी वर्किंग प्रेसिडेंट है, दोनों मिलके पार्टी को और आगे ले जाएंगे, हम लोग को पूरी उम्मीद है। जैसे मैंने बताया आपको अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु 65 ईयर्स होगी और उपाध्यक्ष और मेंबर के लिए 62 ईयर्स।
पूछ रहे थे। देखिए, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली का संकल्प उत्तर प्रदेश सरकार का है, और जो लोग हम पर उंगली उठा रहे हैं वो अपने गृहवान में झांककर जरूर देखें। बहन मायावती जी भी अपने गृहवान में देख लें कि अंतिम व्यक्ति तक वो बिजली पहुंचाने में पूरी तरह से विफल हुए। भाई अखिलेश यादव जी भी केवल अपने 4 VIP जिलों को छोड़कर बाकी प्रदेश में बिजली नहीं देते थे। तो पहले आत्मचिंतन कर लें, जो करारी हार हुई है उसका भी विश्लेषण कर लें। अब किसी साधु संत को बिजली के तार छूने की जरूरत नहीं है, बिजली विजिबल है, और सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तक हर गांव में उजाला है। बसपा और सपा और कांग्रेस ये अंधकार के प्रतीक थे, इन्होंने प्रदेश को अंधेरे में डुबा के रखा था। आज पूरे प्रदेश में उजाला है। जहां तक दरों की बात है तो नियामक आयोग में विषय है, और निश्चित रूप से सरकार संकल्पबद्ध है अपने जो गरीब हैं, किसान हैं, उनको सस्ती बिजली मिले, इसके लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। धन्यवाद।